शेख, मेरा सवाल एक हदीस को लेकर है। जो एक जी हदीस है ना शेख, कि अगर कोई मक्खी अगर पीने वाली ग्लास में गिर जाए तो उसको हमें जी डुबोना चाहिए, क्योंकि एक विंग में डिसीज है और अब एक विंग में उसका इलाज है। कुछ इलाज जी इलाज है, इलाज है। तो कुछ उलमाओं ने इसको एक्सेप्ट किया है शेख हदीस को, और फॉलो करने के भी बोलते हैं। और कुछ उलमा बोलते हैं कि ये जो रसूलुल्लाह ने क्लीनलीनेस सिखाया उसके खिलाफ है, तो ये ज़ईफ है, क्योंकि रसूलुल्लाह हुक्म करते थे कि अपने बर्तन को हमेशा बंद करके रखिए, तो इसके खिलाफ है ये हदीस, तो ज़ईफ बोलते हैं। तो कौन सी राय चाहिए इसमें? जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जो उलमा ये बोल रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई सिखलाया है, इसलिए ये हदीस ज़ईफ है, ये कौल इंतहाई बातिल है। इतना बातिल है, इतना बातिल है कि ये काबिले जिक्र भी नहीं है। अब कोई सेंस मैं ही नहीं मतलब बनता। हाँ, मैं किन अल्फाज में इसको कंडम करूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये इतना बातिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अगर मक्खी खाने में आपके बर्तन में गिर जाए तो उस मक्खी को डुबो दो, क्योंकि जब मक्खी गिरती है, आप खुद मुशाहदा कर लीजिए, मक्खी सीधा नहीं गिरती है, आमतौर से एक पंख पर गिरती है। तो उसके एक पंख में बीमारी है और दूसरे पंख में उसका इलाज है, और जदीद मेडिकल साइंस ने भी इस बात को साबित कर दिया है, उलमा ने इसकी तहकीक की है बाकायदा। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपनी अकलानियत की बुनियाद पर रद्द करना, ये मुनकिरीने हदीस का एक तरीका है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में शुबहात डालते हैं, उनका एक तरीका है। भाई, मैं आपको एक और मसला बयान करूं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोजे पर ऊपर मसा करो, नीचे नहीं मसा करना है। अब कोई आदमी आपसे आकर के ये कहे कि भाई ये तो अकल के खिलाफ है, गर्दो गुबार तो नीचे लगता है, ऊपर क्यों मसा करना है? तो लिहाजा ये अकल के खिलाफ जा रही है, इसलिए हदीस सही नहीं है। तो कोई हदीस ज़ईफ इसलिए नहीं होती है कि आपकी अकल उसको कबूल नहीं कर रही है। अगर आप अकल पर तौलने लगेंगे तो भाई आपको हवा खारिज होती है तो आप पर वजू करना वाजिब हो जाता है। हवा कहां पे खारिज हुई, वजू कहां पे कर रहे हो? आपकी अकल कैसे कबूल कर रही है, बताइए ना? क्या अकल कबूल कर रही है आपकी? बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो कहा है। अब वो हदीस जब साबित हो गई, हदीस के साबित करने के जो तरीके हैं मुहद्दिसीन, क्या वो हदीस साबित हो गई तो साबित हो गई। आखिरी बात ये कि आपने कैसे कहा कि मक्खी कोई गंदी चीज है? अगर मक्खी गंदी चीज होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको डुबोने के लिए नहीं कहते। इसका मतलब वो गंदी चीज नहीं है। मक्खी अगर गंदी और नजिस चीज होती, हाँ आपकी तबीयत नहीं कह रही है, आप पर कोई जबर नहीं है, आपके चाय में मक्खी गिर गई, आप पर जबरदस्ती नहीं है कि आप चाय को पियो, आपकी तबीयत गवारा नहीं कर रही, आप मत पियो, लेकिन हराम मत समझो उसको। तो मक्खी नजिस नहीं है। अगर मक्खी नजिस होती, ये हदीस इस बात की दलील है कि मक्खी नजिस नहीं है। अगर मक्खी नजिस होती तो उसको डुबोने के लिए नहीं कहा जाता। और इसी हदीस से उलमा ने किताबु तहारा के अंदर एक कायदा जो है मुस्तमद किया है कि वो कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिनके अंदर बहने वाला खून नहीं होता है, वो नजिस नहीं होते हैं। जी वो इसी मक्खी वाली हदीस से यह कायदा इस्तिंबात किया गया है कि वो कीड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिनमें बहने वाला खून नहीं है, वो नजिस नहीं है। तो अपनी तरफ से ये फैसला कर लेना कि मक्खी नजिस है, गंदी है। अरे भाई, आप गंदी समझ रहे हो उसको, शरीयत कह रही है वो गंदी नहीं है, आप उसको गंदी समझ रहे हो। तो आपके समझने से, आपके कहने से कोई चीज नजिस या गंदी थोड़ी हो जाएगी। तो बहरहाल इस तरह के अफकार से बचिए, इसमें इनकार हदीस की बू आती है। और इसी तरह के शुबहात, जिन लोगों ने हदीस का इनकार करना शुरू किया है, इसी तरह के शुबहात लाते हैं, अपनी अक्ल पर वो हदीस को तौलते हैं। आप जो है अकले कुल नहीं है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे लोग समझ रहे हैं। जी शेख, ये बात वाजी हो गई शेख। इसी पर है शेख कि मक्खी को डुबोना माने जब अंदर डुबो के उसको पी लेने का है, या फिर उसको डुबो के निकाल देना है। मक्खी को डुबो के फेंक दीजिए। जी जी समझ गया शेख, समझ गया जी, शेख। जैसा कि मालूम करें शेख।